नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जर्मन होम्योपैथिक दवा के बारे में जो आपको बहुत सारी बीमारियों में काम आएगी। तो ये जर्मन दवा का नाम जो है वो है एडलफोर। तो दोस्तों ये जो दवा है या आपके हड्डियों में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए ये जो दवा है वो बहुत यूजफुल है। गठिया जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, आम वात, मांसपेशियों का दर्द या फिर जोड़ों का दर्द, ऐसी जो बीमारियां है उसमें ये ड्रॉप जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो दोस्तों एडलफोर जो ड्रॉप है ये आप बहुत सारी बीमारियों में यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको टेनिस एल्बो है या फिर स्पॉन्डियोलाइसिस है या फिर आपको चोट लग गई हो या फिर मोच आ गई हो, ऐसी बहुत सारी बीमारियों में आप ये एडलफोर ड्रॉप जो है वो यूज कर सकते हो। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है दोस्तों, कि जब भी आपके जॉइंट्स का जो सॉफ्ट कुशन होता है वो आपका कमजोर हो जाता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो सॉफ्ट कार्टिलेजेस है या फिर जो सॉफ्ट कुशन है आपके जॉइंट के बीच का वो कमजोर हो जाता है, उसका डिजेनरेशन हो जाता है और आपको जोड़ों के दर्द की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसी के साथ अगर आपके जो टेंडन है और जो कार्टिलेजेस और लिगामेंट्स जो है वो भी अगर कमजोर हो रहे हो और उसकी वजह से आपको अगर जॉइंट्स पेन है या फिर जोड़ों का दर्द है तो इसमें ये जो एडलफोर जो ड्रॉप है वो बहुत अच्छे से काम आता है दोस्तों। तो ये जो एडलफोर ड्रॉप है तो इसमें कौन सी दवाइयां मिली हुई है इसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सी दवाइयां मिली हुई है। तो दोस्तों इसमें पहली जो मेडिसिन है वो है अर्निका मोंटाना। अर्निका मोंटाना एक ऐसी दवा है जो आपके शरीर में जो भी रक्त संचार प्रणाली है उसको नियमित करने में बहुत शक्तिशाली ये दवा है। आपका जो उच्च रक्तदाब जैसी बीमारी है, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है, उसको ये जो दवा है वो खत्म कर देती है और आपके जोड़ों में या फिर आपके जॉइंट्स में जो भी रक्त की रुकावट आती है, रक्त संचार का जो भी रुकावट आती है उसको कम करने में ये जो दवा है वो बहुत ही शक्तिशाली दवा है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो दवा है वो है ब्रायोनिया क्रिटिका। ब्रायोनिया क्रिटिका ये जो दवा है ये मांसपेशियों में जो खिंचाव या फिर चुभन या फिर फटने जैसा जो दर्द है उस दर्द को कम करने में ब्रायोनिया क्रिटिका जो दवा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। यह जो दवा है अगर आपके मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द है उसके वजह से आपके हाथ पैर को सूजन है तो उस दर्द को भी ये कम करने में, उस सूजन को भी कम करने में ये जो दवा है वो बहुत ही अच्छे से काम करती है। अगर आपके आपको चलने फिरने वक्त दर्द की परेशानी होती है, चलने फिरने की कोई भी हरकत में अगर आपको दर्द होता है तो ये जो दवा है उसका वो जो दर्द है वो कम करने में बहुत ही प्रभावशाली दवा है। आपके गठिया, हाथ पांव और जोड़ों के आम वात के लिए ये जो दवा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों। इसमें नेक्स्ट जो दवा है वो है कैप्सिकम ऑटोमिनाले। ये जो दवा है उसमें अगर आपके पेट में सूजन है या फिर आपके आंतों में कुछ प्रॉब्लम है, आंतों में कुछ गड़बड़ी है तो ये दवा बहुत ही हेल्पफुल दवा है। इस दवा में जो भी वात के जो सिम्टम्स है वो बहुत अच्छे से कवर होते हैं। वात के जो सिम्टम्स है उसमें बहुत ही मशहूर ये दवा है। आपके छोटे सांधियों में या आपके छोटे जॉइंट्स में अगर बहुत ज्यादा दर्द है या फिर आपके कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो ये दवा जो है वो बहुत ही यूजफुल दवा है। नेक्स्ट जो दवा है वो है नाफेलियम। नाफेलियम जो दवा है ये आपको अगर सायटिका है तो उसमें बहुत ही अच्छे से काम करती है। आपके कमर के निचले हिस्से में अगर दर्द होता है तो ये दवा उधर बहुत ही यूजफुल है। अगर आपके हाथ पांव में जो आपकी पिंडलियां होती है उसमें अगर सुन्नपन आ जाए या फिर उसमें खिंचाव जैसा दर्द हो, खिंचाव जैसी पीड़ा हो, उसको दूर करने में ये जो दवा है ये बहुत ही काम करती है। नेक्स्ट जो दवा है वो है ग्वैकम। ग्वैकम जो दवा है अगर आपके कोई पुराने इन्फेक्शन के बाद आपको अगर तकलीफ है, जो दबे हुए संक्रमणों के बाद अगर आपको तकलीफ है तो उस संक्रमण को ये ठीक करने में बहुत ही प्रभावशाली ये दवा है। इसी के साथ अगर आपके मांसपेशी या फिर आपके जोड़ों में सूजन के साथ आमवाद की प्रक्रिया को भी ये समाप्त करती है।
इसमें नेक्स्ट जो दवा है वो है लैकेंथिसिस। लैकेंथिसिस ये जो दवा है, अगर आपको न्यूरालजिया जैसे प्रॉब्लम है या फिर आपको आमवा जैसी प्रॉब्लम है, उसमें ये बहुत ही यूजफुल दवा है। आपके गर्दन में या फिर शरीर के अन्य भागों में या फिर आपके हड्डियों में अगर अकड़न जैसा आपको महसूस होता है या फिर स्टिफनेस जो है वो महसूस होता है, तो उसको ठीक करने में ये दवा बहुत ही प्रभावशाली है। नेक्स्ट जो दवा है वो है सोलानियम। सोलानियम जो दवा है वो आपके मांसपेशियों में अगर दर्द है, अगर आपको बर्फीली ठंडक जैसा महसूस होता है या फिर आपको लकवा यानी कि पैरालिसिस अगर हो गया है या फिर आपको अकड़न जैसे महसूस होता है, तो ये दवा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा है। तो ये जो दवा है ये मांसपेशियों में होने वाले दर्द को दूर करती है। नेक्स्ट जो दवा है वो है टेरास्कैकम। टेरास्कैकम दवा जो है वो आपको अगर गोंदने जैसा पेन आपको महसूस होता है आपके आमवात में, आमवात के सिम्टम्स में, आमवात की पीड़ा में, तो इसको ये दूर करने में बहुत ही प्रभावशाली दवा है। उसी के साथ ये जो यकृत की अपचय जो क्रिया है या फिर जो भी टॉक्सिन्स डालने वाली जो क्रिया है उसको नियमित करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों ये जो एडिल 3 ड्रॉप है इसमें ये सब दवाइयां मिली हुई है, और ये जो ड्रॉप है आपको आमवात जैसी बीमारियों में बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको ये जो बीमारी है ये अगर दूर करनी है तो आप एडिल 4 ड्रॉप जो है वो जरूर लें। तो दोस्तों आपको इसको लेना कैसा है, ये जो एडल 4 जो है वो 20 ml के शीशी में आती है। इसको 15 से 20 जो बूंद है उसको 1/4 कप पानी में डालने हैं, और सुबह शाम और दोपहर ऐसे 3 बार जो है वो लेना है। जैसे जैसे आपकी बीमारी कम होती है तो वैसे वैसे इसका डोज जो है आपको कम करते जाना है, और अगर आपको एक बार ठीक लगने लगा तो आप ये दवाई बंद कर दो। तो अगर आपको इसमें बच्चों में भी यूज करना है, इसको यूज करते वक्त आपको 7 या 10 बूंदे आपको 1/4 कप पानी में डालनी है, और बच्चों को इसको दिन में 3 बार देनी है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।